साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। आपको बता दें कि बॉलीवुड की सुपरस्टार सलमान खान की पिछली रिलीज फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई, जो ईद के मौके पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी, इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। क्रिटिक्स ने फिल्म को कुछ खास पसंद नहीं किया। हालांकि इसके बावजूद फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसी बीच अभिनेता सलमान खान को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सलमान खान राधे या मोस्ट वांटेड भाई की सफलता के बाद अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं। सुपरस्टार सलमान खान एक बड़ी हिट की तलाश में हैं। खबरों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान ने कई ब्लॉकबस्टर साउथ फिल्मों के सुपरहिट हिंदी में दर्शकों को दिए हैं। अब जल्द ही एक और साउथ की फिल्म का रीमेक करने वाले हैं। खबरों के अनुसार तमिल सुपरस्टार थालापति विजय की ब्लॉकबस्टर फिल्म मास्टर के हिंदी रीमेक में नजर आ सकते हैं। मास्टर के अलावा सलमान खान की साउथ के मशहूर अभिनेता रवि तेजा की अपकमिंग फिल्म खिलाड़ी को लेकर सलमान खान काफी उत्साहित हैं। वो इसका हिंदी रीमेक बनाना चाहते हैं। बता दें कि सलमान इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान ने इस फिल्म के हिंदी रीमेक अधिकार हासिल कर लिए थे। इस फिल्म को बनाने की तैयारी में वो जुट भी गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभिनेता ने हिंदी रीमेक के लिए ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक रमेश वर्मा को ही निर्देशन की जिम्मेदारी दी है। वैसे आप लोग इस फिल्म में सलमान खान को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।